इस महापर्व के मौके पे राष्ट्रीय जनता दल के भी लोगों के द्वारा एक शिविर लगाया गया है और आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे ये जो हम आपको शिविर दिखा रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल का यह शिविर है। आप देख सकते हैं छठ पूजा का बैनर और शुभकामनाओं के साथ इस शिविर में बिहार के पूर्व मंत्री और बिहारी चौधरी के साथ तमाम यहाँ पे RJD के नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार इस छठ जैसे बड़े त्यौहार के अवसर पे ये क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे, सर क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व के मौके पे? ये आस्था का महान पर्व है छठ मैया के पूजा, और देख ही रहे हैं चारों तरफ कितना जो है छठ व्रती लोग यहाँ आ करके और दर्शन किए हैं डूबते हुए सूरज को भी। तो यह एक बहुत ही छठा निराली है, सारा भक्तिमय लोग हो गया है और इस अवसर पर काफ़ी शांति व्यवस्था भी है, बढ़िया तरह से व्यवस्था हम देख रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सारे लोग छठ पूजा कर रहे हैं, सबका सहयोग बढ़िया तरह से देख रहे हैं मिल रहा है, तो इस त्यौहार को अपना मतलब मन के शुद्धि शांति समृद्धि के लिए लोग करते हैं। हम चाहेंगे सबों को कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आवे और छठ मैया सब लोगों को ताकत शक्ति दे, सबका विकास हो, आपसी भाईचारा और सद्भावना को मजबूत करें। मैं अपने तरफ से बहुत शुभकामना बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आपके तरफ से व्यवस्था कराया जाता है सब कुछ, क्या कुछ इस बार व्यवस्था है छठ व्रतियों के लिए? इस बार अर्क का दूध और आम का दतुवन का व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए कराया गया है, यानी कि वो सुबह में सब कुछ व्यवस्था रहेगा? हाँ, सब सुबह में बांटा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे छठ व्रतियों को? छठ व्रतियों के हमारे तरफ से सुख समृद्धि और सद्भाव के साथ सारे लोग रहे। चलिए धन्यवाद। यहाँ पे बाबूद्दीन खान भी बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर, ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं का महान पर्व है लेकिन इस त्यौहार में दोनों कौम के लोग, हालांकि कई गांव में देखा जा रहा है कि मुस्लिम लोग भी इस त्यौहार को कर रहे हैं, कैसा लग रहा है जब एक साथ सभी लोग बैठ करके और इस त्यौहार को सम्पन्न कराते हैं? ये जो महान पर्व है हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर एकता के प्रतीक अपना ये मना रहे हैं, लोक आस्था का महान पर्व छठ जो है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम मुसलमान होते हुए भी हर साल इस कैंप में आते हैं और श्रद्धालुओं का हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए तो इसी तरह से हम आपको सिवान के छठ घाटों से दिखाएंगे कि सिवान के छठ घाटों पे किस तरह से लोग अलग अलग अपने शिविर के माध्यम से सेवा करने में लगे हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं अब जो भीड़ आप देख सकते हैं ये लोग अब अपने अपने घरों के जाने के लिए यानी कि अर्घ दे करके ये अपने घर लौट रहे हैं वापस, फिर अहले सुबह ये आएंगे और फिर अब उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और फिर महापर्व की समाप्ति होगी। जैसे जैसे छठ घाटों का जो नज़ारा होगा, जो जैसे लोग आएंगे पूजा अर्चना होगी, तमाम तस्वीरें हम आपको ATN लाइव चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी नजरे तुपैल के साथ चंद्र